हेलो मैडम, जिस तरह से आपकी संघर्ष की टीम हमेशा देखा गया है कि हर जगह एक्टिव रहती है, और आज जीआर पाटिल में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, आज पहला दिन है, आपने जिस तरह से सर्वे किया है, किस चीज़ का सर्वे था और क्या कहना चाहेंगी स्टूडेंट्स को और उनके गार्जियंस को? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, पिछले ऑलमोस्ट 2 सालों से बच्चों को लिखने की आदत नहीं है, एग्ज़ाम्स की आदत नहीं है। पिछले साल भी बिना एग्ज़ाम किए 10वीं के बच्चों को पास किया गया था, तो उनको एग्ज़ाम और लिखने से फिर से वाकिफ कराने के लिए हम लोग ने ये प्रैक्टिस प्रीलिम्स रखे हैं, वो एनसीपी और संघर्ष के जानिब से। इसमें संघर्ष ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन हमारे साथ जो हमारी टीम काम कर रही है उसमें हमारी लखबीर मैम है जो महिला विंग में एनसीपी के काम करते हैं, पूजा खान है, वनीता है, और मैं आज उनके नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि आप हमेशा हमारे चेहरे देखते हैं पर हमारे पीछे जो हार्ड काम करते हैं उनके भी नाम आना ज़रूरी है। इसलिए आज मैं सिर्फ नाम लेने में ही थोड़ा सा वक्त लूँगी। तो उसके बाद में हमारे साथ बहुत स्टूडेंट विंग के भी है, जैसे सम्राट पांडे हैं, अरशद मलिक है, वो लोग भी आज जाके उन्होंने हमें हेल्प किया, शाहिना मैम है, उसके बाद में ये पूजा दामले हैं हमारे साथ, अभी एक बालिका बीजेपी में थी वो हमारे साथ अभी जुड़ी है वो भी है, और ऐसे कई हमारे साथी हैं जिन्होंने 3 दिन लगातार सुबह से लेकर रात तक ये सारे पेपर्स को ठीक करना, उस पर नाम डालना, ये सब काम किया है, और मैं इसके लिए उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि देखिए ऐसा है कि हाँ ठीक है मैं आती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका है। दूसरा है 15 स्कूल्स है हमारे पास और 850 स्टूडेंट्स हैं करीबन, उसमें ऐसे कई स्कूल्स हैं जो कुछ कारणों से अपनी प्रीलिम्स नहीं ले पाए, चाहे वो फिनेंशियल हो या उनके पास मैन पावर की कमी है या जो भी है, लेकिन सारे स्कूलों ने हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, और बहुत से स्कूलों के 80-80 बच्चे हमारे पास आज प्रीलिम्स दे रहे हैं। मैडम, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी भी परेशान हैं, जिनके 2 साल की फ़ीस बाकी रह गई और उसकी वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा है। देखिए क्या है कि पिछले साल हम लोग ने स्कूलों को बोला था कि आप फीस मत लेना, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये है कि स्कूलों को भी अपना संसार चलाना है, उनको उनके ऊपर फीस है टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की, कई स्कूल है आज भी रेंटल स्पेस में चलता है। नहीं, सुनिए मेरी बात पूरी करने दीजिए। तो इसीलिए ये वक्त इस वक्त स्कूलों ने किया है, लेकिन आपको पता है कि हम अभी को सेंट मेरीज में जाके हमने हल्ला बोला, क्वीन मेरी का सेंट मेरी होगा, क्वीन में, थैंक यू, क्वीन मेरीज में जाके हमने हल्ला बोला था, वो थोड़े से सुधर गए हैं। जो स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो लोग थोड़ा सा पार्ट पेमेंट में कर सकते हैं, जैसे क्वींस में सेंट मेरी तो एकदम ही नहीं ले रही है। अच्छा, खैर, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी जैसे स्कूल और कॉलेजेस खुल गए हैं, माँ बाप को ज़्यादातर अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए, जो बच्चे कॉलेज बंक करके फालतूगिरी करते हैं उनके लिए और उनके गार्जियन के लिए क्या संदेश देंगी? क्या देंगे, उनकी ज़िंदगी है, हम क्या बोल सकते हैं।
अगर हम उन्हें रोके भी तो वो कहते हैं आपको क्या करना है। इसीलिए मैंने बोला मतलब है ना, एकेडमिकली पूरा देश पूरी दुनिया 2 साल पीछे चली गई है। मेरे ख्याल से इन दो एकेडमिक सालों को कैंसिल ही कर देना चाहिए, क्योंकि 3-3, 4-4 बार जो 10th पास नहीं हो सके वो पिछली बार ही 60-70% लेके पास हुए हैं। 10th कोई ज़िंदगी का फलसफा नहीं है। हो सकता है एकेडमिकली वो बंदा ठीक ना हो या उसको नहीं आता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदगी में भी पिछड़ेगा, लेकिन हमारे पूरे शिक्षा के जो सिस्टम है तालीम की, उसमें 10th और 12th का जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना, इसके कारण इसलिए हमने सोचा कि एक बार अपने अभी स्कूलों को भी पता चल, और हम लोग जो पेपर चेक करवाने वाले हैं वो बाहर से हमने बुलवाए हैं चेक करने के लिए, उसमें स्कूल का कोई हाथ नहीं होगा, तो स्कूल को खुद को पता चल जाएगा कि उनके स्टूडेंट्स अभी 2 महीना के बाद में जो एग्ज़ाम होने वाली है 10th की, उसके लिए कितने तैयार हैं, ताकि 2 महीने में स्कूल्स भी थोड़ा अपने सॉक्स पुल करें और ध्यान दें बच्चों की तरफ। थैंक यू।